these brothers my guys. Know that we fly, like, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, that's the peace and gloves. Now you gotta deal right now. Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, that's the peace and gloves. Now you gotta deal right now. Ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हो आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। और ये मेरी ट्रैवल सीरीज़ चल रही है, यूएस की ट्रैवल व्लॉग चल रहा है, तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ, तो बने रही। और हम लोग जा रहे हैं ह्यूस्टन टू डाला। ये देखिए शाम के 5:30-6:30 हो रहे हैं, कंट्री साइड की तरफ हम लोग आ गए हैं। दोनों साइड जंगल है, ये देखिए पूरे घने घने पेड़ दिख रहे हैं, और साथ में बारिश भी आ गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए शीशे के ऊपर बारिश हो रही है, देखिए बादल कितने आए हुए हैं। बस ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो, क्योंकि हम लोग का लंबा सफ़र है, डालास जा रहे हैं हम लोग, और 3 घंटे 10 मिनट की राइड और है। 4 घंटे 4.5 घंटे की थी, 1 घंटा कवर कर लिए, 3 घंटे 10 मिनट और है। तो पता नहीं अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो दिक्कत होगी। ड्राइव कर रहे हैं ये यूएस की रोड पर, और बोल रहे हैं कि यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा ग्रिप है रोड पर, चलाने में मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है चलाने में, और सीट्स भी इस गाड़ी की जो है वो एकदम कंफर्टेबल है। कप सीट्स है ना? तो मज़ा आ रहा है, लेट जाओ एकदम। बच्चे तो सो गए पीछे, देखिए जायद ऐसे सोया है, और जोहान ने बोला मेरे को भी लेट के सोना है, तो नीचे पापा का बैग रख के नीचे सो गया। अच्छा, हाँ आपके बैग के ऊपर सर रखा हुआ है, क्योंकि जायद सीट पे लेट के सो गए, और बच्चे सो गए, और हम लोग भी अच्छा वेदर एंजॉय करते करते जा रहे हैं ह्यूस्टन टू डालास, जो कि 4.5 घंटे का ड्राइव था। बाय रेंटा कार पे हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इतने सारे जो मोटर होम्स हैं, इसमें बेडरूम्स होता है, आपका किचन होता है, टॉयलेट होता है, और वर्क स्टेशन होता है आपका, और वो ड्राइविंग के आगे सीट होती है, मतलब चलाइए, रेंट पे लीजिए या ख़रीद सकते हैं इसको, चलाइए, और एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं, और साथ ही जहाँ पे आपको रुकना है साइड में लगा के उसी में सो जाए। इसमें इन्वर्टर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो अच्छा होता है। और हम लोग वहाँ पे गैस स्टेशन आ गए हैं, जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ पे रुके थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने के लिए, स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ा सा साथ में ही सुपरमार्केट था, जहाँ पे आप स्नैक्स ले सकते हैं और भी चीज़ें खरीद सकते हैं खाने पीने की, और साथ ही वहाँ पे काउ बॉयज़ का कुछ स्टेशन था, जहाँ पे वो लोग कुछ सैंडविच वैंडविच बना रहे थे, मगर मुझे डर लगता ज़्यादा करीब से मैं नहीं गई, पता नहीं पोर्क था क्या था। और यहाँ पर देखिए बाहर के साइड ये पूरा ग्रिलर रखा हुआ था, जो कि आराम से लेके ग्रिल कर सकते हैं। और बस हम लोग देखिए पहुंच गए डालास, और ये वहाँ का डाउनटाउन एरिया है, सिटी के अंदर इंटर हो गया है। अब यहाँ से आंटी का घर है, हम अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं, उनका घर हाफ एन आवर है। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, और आंटी ने सब खाना वाना सब लगा के रख दिया था, देखिए पूरा सीख कबाब का प्लेटर है, और बिरयानी है, रायता है, पापड़ है, खुबुस है, और इस साइड देखिए फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ये देखिए खुबानी का मीठा था, पूरा हैदराबादी स्टाइल थी, यहाँ पे भी फ्रूट्स रखे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ था, बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा था, उनके किचन के प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था, और बोले कि जिसको जो चाहिए अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लो, क्योंकि आप लोग ट्रैवल करके आए हो, हमें नहीं पता कितना खाओगे। यहाँ पर मिर्चों का सालन था हैदराबादी स्टाइल का, तो बहुत ही अच्छे से बनाया था, और बहुत ही सब कुछ इतना टेस्टी था कि हम लोग बस एकदम खुश हो गए। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग अपना खाना वाना खा के खेल रहे हैं, और यहाँ पे जेंट्स लोगों की अपना बातचीत ही चल रही है,
तो ये देखिए अंकल ने आंटी ने गिफ्ट दिया बच्चों को, जिसको देखे बच्चे लोग एकदम खुश हो गए। कार वार ला के रखी हुई थी आंटी ने, और ये देखिए अंकल यहाँ पे लोग को खोल के दे रहे हैं, फिक्स करके दे रहे हैं बैटरी वगैरह डालकर। अब बच्चे लोग को कार मिली तो बच्चे लोग से रहा नहीं जा रहा था, वो लोग बोल रहे थे बस अभी फिक्स करके दे दो। और यहाँ पर आंटी सब अपना अरेंज कर रही थी किचन। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत घर है आंटी का। मैंने तो उसका होम टूर नहीं लिया है, बस थोड़ा सा आगे के एंट्रेंस के पास मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे एक और हॉल है उनका, बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह, बहुत हम लोग को पसंद आया। ये हॉल है, साथ ही लगा इनका डाइनिंग है गेस्ट लोग के लिए, और उधर दरवाज़ा था किचन के लिए। यहाँ पे इनका वर्क स्टेशन था, एक रूम था जिनको इन्होंने वर्क स्टेशन बनाया था। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए पूरा ऊपर का फ्लोर का ऊपर का पोर्शन का सीढ़ियाँ थी। और यहाँ पे दूसरा लिविंग हॉल था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें एकदम नीचे से बैठे बैठे आप ऊपर तक का देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन किस कमरे में जा रहा है। पूरा नीचे से बैठे बैठे पूरे घर की मतलब आहट मिल सकती है कौन किधर कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए उनके यहाँ बिल्लियाँ थी, तो बच्चे बिल्लियों के साथ एकदम खेल रहे थे, खुश हो गए थे एकदम बिल्लियाँ देख के। नीचे जाते हम लोग इसके नीचे जाते, मैंने ऑलरेडी वो जो आपको दिखा दिया था फ्रेंड्स। और वो देखे फ्रेंड्स थे एक दौड़ हम लोग का पार्किंग स्टोर से। और ये देखे ये क्या है इधर, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और नेक्स्ट ब्लॉग पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा वीडियो, मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी या वीडियो बना रही थी तो मुझे दिखे कुछ क्लिप्स जिसको जुहान ने रिकॉर्ड किया था, यही वीडियो थी। तो थोड़ा कायदे की थी तो मैंने डाल दिया, वरना बाकी बहुत सारे वीडियोस थे जो बहुत ज़्यादा शेकी थे तो मैंने नहीं डाला। मगर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वो पोर्शन डाल देती हूँ जो जुहान ने बनाया। और ये रूम था जहाँ पर हम लोग लेटे थे, ये नीचे मैं और जुहान लेट गए थे, ऊपर हस्बैंड और जायद लेट गए थे, ऊपर बेड था, ये रूम हम लोग को मिला था। और साथ ही इतना बड़ा उनका, जितना बड़ा रूम था उतना बड़ा उनका वॉशरूम था। यहाँ पे देखिए टॉयलेट है, टॉयलेट सेपरेट था। और इसके बाद ये पूरा जो है वॉशरूम का एरिया है, यहाँ पे जाकूजी टब लगा हुआ था, बाथ टब था, जाकूजी था, यहाँ पे बहुत बड़ा सा सिंक था जो कि शायद लेडीज़ लोग के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए शावर था, स्टैंडिंग शावर वाला एरिया था, ग्लास का वो लगा हुआ था और पर्दा लगा हुआ था। और यहाँ पे छोटा सिंक था, तो ये नॉर्मली हस्बैंड लोग के लिए जेंट्स लोग के लिए होता है। यहाँ पे एक क्लोजेट था बहुत बड़ा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लोजेट था, और सामने एक बहुत बड़ा सा मिरर था। और ये देखिए बाहर से उनके घर का फुल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। ये पूरा उनके कम्युनिटी है जहाँ वो रहते हैं, साथ वाले जितने भी घर हैं, ये पूरा उनका एरिया था जहाँ वो लोग रहते हैं, और बहुत ही अच्छा था। और ह्यूस्टन में तो गर्मी थी, मगर डेलास में जब हम लोग आए तो यहाँ पे सर्दी थी। आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्वेटर में जैकेट में मिलेंगे हम लोग आप लोगों को। तो एकदम बस हम लोग फिर वहाँ से निकल गए, और हम लोग को जाना था इनके घर के 10 मिनट के दूरी पे ही एक मॉल था, आउटलेट मॉल करके, मॉल प्रॉपर नहीं था, वो एक शॉपिंग एरिया था। तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बस जा रहे थे, तो ये रास्ते का आपको दिखाते हैं। और हम लोग उतर गए हैं, ये है पूरा वो शॉपिंग का एरिया जहाँ पे सारे ब्रांड्स के थे। तो हम लोग ने सोचा कि चलते हैं। और देखिए ये पर्पल कलर का फ्लावर था इस पेड़ में, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कुछ पिक्चर्स भी निकाले, इतना खूबसूरत लग रहा था, देख सकते हैं पर्पल कलर के इसमें फ्लावर्स लगे हुए थे और सारे ब्रांड्स थे। तो हम लोग ने सब कुछ चेक किए बारी बारी, बैग्स वगैरह लेने थे, बैग्स देखे। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, वेदर ठंडा था क्योंकि एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बच्चों को हम लोग ने टोपी लगा दिया था, अंदर उन्होंने एक स्वेटर पहना हुआ था और थर्मल पहना हुआ था, तो इसलिए मोटा वाला जैकेट ऊपर से नहीं पहना आया। और यहाँ पे देखिए शॉप पे आ गए हैं,
देखने देखते हैं कुछ समझ में आया तो ले लेंगे यहाँ से। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, देखिए स्टारबक्स था तो हम लोगों ने सोचा कुछ ठंडे ठंडे मौसम में कुछ गरम गरम कॉफी शॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने के लिए आ गए हैं। बच्चों लोगों को कुकीज दिला दिया था स्टारबक्स की, तो बच्चे लोग अपना कुकीज एंजॉय कर रहे हैं जायद जोहान, और बहुत अच्छा लग रहा था धूप में जब बैठे हुए थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए जायद जो है अपनी कुकीज जो है यहाँ पे बर्ड्स लोग को खिलाने लगे, तो ये चिड़िया जो है वो आके एकदम देखिए आप लोग खाने आ रहे थे, बिस्किट खाने आ रहे थे। और यहाँ पे आ गई है हमारी कॉफ़ी, ये देखिए गर्मा गर्म कॉफ़ी है, तो बस कॉफ़ी पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और फिर हम लोग निकल गए हैं और हम लोगों को दूसरे आंटी के घर जाना था, तो जहाँ हम लोग आए थे जिस आंटी के पास, वो आंटी दूसरी वाली खाला के घर लेके जा रही थी, तो उनके आगे आगे गाड़ी चल रही थी, हम लोग उनको फॉलो करते करते जा रहे थे। और यहाँ के जो घर हैं इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल घर थे यहाँ पे, अलग अलग डिज़ाइन के सब, वो देखिए एक अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के घर थे, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि घर कितने खूबसूरत है, ये पर्पल फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं जो रोड के साइडों में थे। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे से मैंशन थे, घर थे, जो कि बहुत अच्छे लगे हम लोगों को। एरिया एकदम जो है पीसफुल था और एकदम मतलब रेसिडेंशियल टाइप था, एकदम सेफ था, आराम से रहने लायक थे। देखिए एक मोटर होम भी खड़ी थी, मतलब आराम से रह सकते हैं, अच्छा पीसफुल रेसिडेंशियल एरिया था ये पूरा। जिधर जिधर जा रहे थे ना सब जगह अच्छा ही दिख रहा था हम लोगों को। अब अंदर का क्या है वो तो नहीं पता, बाहर से तो हम लोग को अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हम लोग बस फॉलो करते हुए अंकल को ये देखिए पहुंच गए हैं, दूसरी आंटी का घर आ गया है। उनका घर भी माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दूसरे वाले खाला के घर आ गए हैं, तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अंदर। वाओ नाइस शॉट। और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं टेबल टेनिस खेलने, और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपना हाथ आजमा लूं, मैं भी खेलने लग गई। मम्मी यू आर नॉट गुड एट कैचिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ थाउजेंड प्रैक्टिस। मम्मी यू आर फजी। का मिल जाता है, जायद ने वीडियो बनाया कैसे टेढ़ा टेढ़ा कर करके वीडियो बनाया था। और यहाँ पे देखिए उनके पूल के पास एक स्क्विरल थी, जो कि यहाँ पे बहुत स्क्विरल दिख रही थी और काफ़ी अच्छी थी माशाल्लाह, ऐसे फुदक रही थी, तो उनको रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड और अंकल बैठे थे, बात कर रहे थे। ये किचन था आंटी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये उनका किचन। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मैं वही बता रही थी डालास जो है प्रॉपर वो अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है रहने के लिए, हम लोग को वो सिटी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडियंस बहुत हैं डालास में। और यहाँ पे देखिए जायद फिर वो दीदी के साथ, वो आंटी की बेटी के साथ कुछ गेम वेम खेल रहे थे, तो बच्चे लोगों ने भी इंजॉय किया, फ़न किया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और मुझे अपनी फ्रेंड के घर डिनर पर जाना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो एक ही सिटी में थे वो दोनों आंटियाँ भी और वो मेरी फ्रेंड भी, हम तीनों एक ही सिटी में थे। देखिए उसके घर भी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे उसका बेटा, मेरी फ्रेंड का बेटा जो है वो भी जायद के बराबर ही थे, तो दोनों कार्टून वगैरह देख रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ने जब खाना वाना खा लिया तब मुझे याद आया मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो थोड़ा उसने जो जो चीज़ें बनाई थी मैंने वो सब रिकॉर्ड किया। ये डिनर करने के बाद का जो सीन है वो था, तो खाना वाना हम लोगों ने खाया और यहाँ पे हस्बैंड और उसके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे और बच्चे अपना कार्टून एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए डिनर करने के बाद फिर जायद और जोहान जो है वो खेलने लगे कार्स के साथ। कार्स के तो अब मेरे बच्चों को जानते ही हैं वो लोग, एकदम आजकल के जो बच्चे जितने भी हैं इस उम्र के शायद सभी बस कार के पीछे एकदम वो हैं, कार जहाँ मिल जाएगी वो खेलने लगेंगे। और हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ से निकल के जा रहे हैं घर आंटी के, तो देखिए कैसा वेदर हो रहा है, पूरे क्लाउड्स देखिए कैसे हो रहे हैं। और यहाँ पे एक रूल है, जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो ये जो लेन दिख रही है टू लेन्स एक ये और ये, अगर लेन के थोड़ा भी ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ना, ट्रैक्स के ऊपर जरा सा भी कार की व्हील आएगी
तो तुरंत यहाँ पे सिग्नल बजने लगता है टू 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 टू, मतलब अपने अपने ट्रैक के अंदर चलिए, लेन के अंदर चलिए, लेन से बाहर नहीं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अपनी लेन में लेन फॉलो कर रहे हैं, अपनी एक लेन के अंदर चल रहे हैं, लेन से जरा भी आप थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़े हुए तो वहां से इशारा आने लगता है कि अपने लेन को फॉलो करते हुए चलिए। और देखिए बादल कितने हैं, बहुत अच्छा वेदर है मगर बहुत ज्यादा ठंड है। ह्यूस्टन में थे तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी और यहाँ डलास में तो इतनी ज्यादा ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडा वेदर है यहाँ पर। और फिर ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह लग रहा था और जायद जो है वो ग्लासेस लगा रहे थे, प्लेट्स लगा रहे थे, आंटी को हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए जुहान भी अपने भाइयों को फॉलो करते हुए ग्लासेस वगैरह अरेंज कर रहे हैं, टेबल अरेंज कर रहे हैं, ये देखिए। और कितने प्यारे फ्लावर है माशाल्लाह, फ्रेश फ्लावर थे जो कि आंटी ने लगाए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि कलरफुल थे। यहाँ पे हस्बैंड कुछ बैठ के बुकिंग कर रहे थे और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह लग गया है। तो आज हम लोगों को डालास से निकल के, डालास में हम लोग 2 डेज थे, आज हम लोग को डालास से निकल के न्यूयॉर्क जाना है। देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे दिख रहे हैं, खाना लग गया है और खाना वाना खा के फिर हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। आज हम लोग की फ़्लाइट थी डालास टू न्यूयॉर्क जो कि 2.5 आवर की फ़्लाइट थी। और यहाँ पे देखिए आंटी ने जो गिफ्ट दिया था, दूसरी आंटी ने भी और ये वाली आंटी ने भी, तो वो सब मैंने रखा था। तो मैंने कहा आप लोग को साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। बच्चों लोग के लिए कपड़े लेकर आए थे, पर्स लेकर आए थे मेरे लिए, और देखिए बच्चों के लिए टॉयज लेकर आए थे, कार वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिया था जो कि मुझे पैक करना है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे बैग्स ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें रखनी है। ये कार है, कार को हम लोग हाथ में लेके जाएंगे क्योंकि सूटकेस में बॉक्स के साथ नहीं आ रही थी, तो इसको ऐसे ही हम लोग एक पैकेट में डाल के हाथ में लेके जाएंगे। देखिए दोनों बड़े बड़े बॉक्सेस हैं तो इनको लेके जाने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग रेडी हो गए और हम लोग निकलने वाले थे तो बच्चे जो है कैट्स को बाय करने गए, देखिए कैट्स निकल के भाग गई, उन लोगों से डर गई, भाग के नीचे आ गई जो कि हमेशा ऊपर बंद रहती थी, इन लोगों की वजह से कैट नीचे आ गई। ये लोग देखिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पूरे दिन खाली कैट्स के पीछे पीछे खेल रहे थे। और फाइनली ये देखिए गोद में लेके फोटो वोटो भी खिंचाया और बाद में भी उसने कई दिन तक मिस किया, अभी भी बोलता है कि मुझे दीदी के पास जाना है, कैट्स के साथ खेलना है, दीदी के साथ प्ले करना है। देखिए अब डरा भी नहीं क्योंकि कभी उसने उठाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसने उठाया है कैट्स को, और माशाल्लाह दोनों उठा ले रहे थे, उन लोग को डर भी नहीं लग रहा था। और दीदी भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, आंटी की जो बेटी है। फिर हम लोग निकल गए तो कार में बस बैठ रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। हम लोग को ये कार एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है, ये रेंटा कार है जो कि हम लोगों ने ह्यूस्टन से लिया था, ह्यूस्टन से पूरा चलाते हुए आए हैं एक सिटी से दूसरे सिटी। अगर आप सेम सिटी में चलाते हैं तो ये देखिए पेट्रोल पंप आ गए हैं, पेट्रोल फुल करके देना होता है क्योंकि जब हमें गाड़ी मिलती है तो भी फुल मिलती है। आप जब सेम सिटी में आप लेते हैं चलाते हैं तो आपको उसके चार्जेस कम आएंगे, $15 पर डे, $20 पर डे, $25 पर डे, जैसी गाड़ी लेंगे इस हिसाब से आएगा। हम लोगों ने एक सिटी में उसे उठाया था, दूसरी सिटी हम लोग को ड्रॉप करना था, तो इसका जो चार्जेस आया था हम लोग को $75 पर डे का आया था चार्जेस। तो हम लोगों ने 4 डेज के लिए लिया था, 2 डेज ह्यूस्टन में, 2 डेज डालास में। आज हम लोग की फ्लाइट है तो हम लोग एयरपोर्ट पर ही को ड्रॉप करेंगे और एयरपोर्ट चले जाएंगे। देखिए एयरपोर्ट के रास्ते में है, हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे, कार को ड्रॉप करेंगे और वहां से एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट पकड़ लेंगे। और ये देखिए एयरपोर्ट आ गए हैं, एयरपोर्ट के एकदम करीब आ गए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए जहाँ से, जिस कंपनी से हम लोग ने लिया था, हर्ट्स के कंपनी से हम लोग बुकिंग करके गए थे पहले से, तो यहाँ से लिया था, यहीं पे हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो ये था आज तक का व्लॉग डालास का, न्यूयॉर्क का व्लॉग आगे आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।